morning students. Today we are going to start up with the chapter number 1, that is called Introduction to Economics and Central Problems due to which we are studying economics. In the first chapter till now we have studied about economy, economics, different types of economic system which is prevalent. We have studied the central problems which is related to economics. And now, in this video, we are going to start with the most important topic of your chapter number 1, that is this PPC curve, Production Possibility Curve, that we are going to start. See, अब ये Production Possibility Curve क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसको पढ़ने का, वो सारी चीज we are going to discuss right now. देखिए, हम ये मान के मैंने आपको yesterday only I have already told you that economics law of economics are based on assumptions. Basic assumptions को लेकर ही हम लोग कोई भी law बनाते हैं, ठीक है? Now in this concept of production possibility also हम लोग assumptions लेंगे. Assumptions for example, हमारे पास में 10 बीघा जमीन है और उस 10 बीघा जमीन में हमें सिर्फ दो कमोडिटीज बनानी है, उगानी है या उस पर प्रोडक्शन दो कमोडिटीज का करना है. फॉर एग्जाम्पल हमें या तो वीट का करना है या गन का. मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, वीट या गन को. देखिए, हर कंट्री की अपनी अलग पॉलिसीज होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई ऐसी कंट्री उठा लें कि जो ये एक्सपेंशन के लिए काम करती है, दे वांटेड टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज, वॉर्स में बिलीव करती है, तो वो प्रोडक्शन किसका ज्यादा करेगी, गन्स का. कुछ ऐसी कंट्रीज है जो ये चाहती हैं कि हमारी उन्नति हो, हमारे हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो वो क्या करेगी, वीट का प्रोडक्शन करेगी. तो वो उसकी प्रायोरिटीज के ऊपर है. अब यहाँ पर हम लोग जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, हम ये कह रहे हैं 10 बीघा जमीन है, उसमें हमें सिर्फ दो चीजों का प्रोडक्शन करना है, दो ही चीजें हमें यूज करनी है प्रोडक्शन करने के लिए. अब हम जब दो चीजों का प्रोडक्शन करेंगे तो वो उस 10 बीघा में इस तरीके से हमें यूज करना है कि वो 10 बीघा जो जमीन है वो यूटिलाइज भी हो जाए हमारे पास. हम उसको ना तो कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं. उस पे हमारे पास में जो टेक्नोलॉजीज हैं वो गिवन है, स्टेबल है, कांस्टेंट है. यानी कि एक वीट उगाने के लिए ट्रैक्टर एक ही है, दो नहीं है, ट्यूबवेल एक ही है, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए और ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते. तो अब अगर हमें उस 10 बीघा जमीन पे प्रोडक्शन करना है तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि दोनों कमोडिटी को उगाने के लिए, कि हम कितना उगा सकते हैं वीट और गन उस 10 बीघा के अंदर भी बना सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं लैंड का. अब हम लोग इसकी डेफिनेशन पे आते हैं. व्हेन वी आर कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मींस यहां पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो चीजों की, वीट और गन, ये जो ग्राफ दे रखा है दो चीजों का ग्राफ बता रहा है कि वीट हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट उगा रहे हैं, गन जो है 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट उगा रहे हैं. तो हमारे को ये बताया गया है कि एक समय पर जब हमारी वीट का प्रोडक्शन जीरो था, जब हमने वीट का बिल्कुल जीरो कर प्रोडक्शन किया और उस जीरो प्रोडक्शन पे हमारी जो प्रोडक्शन जो था गन का पूरा हाईएस्ट था. हाईएस्ट, वी आर प्रोड्यूसिंग द गन एट द हाईएस्ट लेवल बिकॉज टेक्नोलॉजी सेम है, हमारे पास रिसोर्सेज सेम है, उसमें हमें उगाना है. ना तो हम उसको कम कर सकते हैं ना हम उसको ज्यादा कर सकते हैं. फिर हमने सोचा क्यों ना हमारा जो प्रॉफिट है वीट उगाने में ज्यादा है, तो क्यों ना हम लोग वीट की खेती ज्यादा करें. परंतु रिसोर्सेज हमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करने हैं, तो हमने क्या किया, हमने धीरे धीरे आए और हमने गन का जो
प्रोडक्शन है उसको क्या किया, कम किया। जब हमने कम किया तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रोडक्शन जो है वीट का वो बढ़ गया। आई होप इट इज बीइंग वेरी क्लियर टू यू। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वीट और द एक्स कमोडिटी वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वाई कमोडिटी बिकॉज द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूज्ड प्लस दे आर कांस्टेंट। सो ये क्या बता रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता रहा है किसके, दो कमोडिटी के, टू गुड्स के। ध्यान रखिएगा ओनली टू गुड्स वी आर टॉकिंग अबाउट व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो कि प्रोड्यूस किए जा सकते हैं फुल और एफिशिएंट यूज लेकर, जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजीज हैं। जो जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं दे आर द कीवर्ड्स, दीस कीवर्ड्स मेक द फुल डेफिनेशंस हियर। सो नाउ द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन सेइंग, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें क्या बताता है, इट इज शोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। व्हाट इज इट शोइंग, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो कि हमारे गिवन प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम बना सकते हैं विद इट्स गिवन रिसोर्सेज, व्हाटएवर रिसोर्सेज दे आर हैविंग। फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू इन ऑर्डर टू डू द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट वी नीड ट्रैक्टर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, ट्यूब वेल्स, सो दीज आर द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज हमारे पास गिवन है, कॉन्स्टेंट है, और इस कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं टू गुड्स का, टू कमोडिटीज का। अजम्पशंस, अजम्पशंस एज वी ऑलरेडी स्टडीड, व्हाट आर द अजम्पशंस, अजम्पशंस मींस द बेसिक कंडीशन दैट इज फुलफिलिंग अ थ्योरी और अ लॉ। किसी लॉ को जब हम लोग फुलफिल करने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस को कॉन्स्टेंट कर देते हैं, दोज आर द अजम्पशंस। थ्री अजम्पशंस आर देयर इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। व्हाट आर द थ्री अजम्पशंस हियर, फर्स्ट इज रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूज्ड, व्हाटएवर रिसोर्सेज वी आर हैविंग दे आर कांस्टेंट, और हमने उसका पूरी तरीके से यूज लिया है, हम जितना उसका ऑप्टिमम यूज ले सकते थे उतना हमने उसका यूज लिया है। टेक्नोलॉजी जो हमारे पास अवेलेबल थी उसको हमने गिवन है और रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वो कभी भी चेंज नहीं होती, ना तो कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, उस गिवन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने पूरी तरीके से फुल यूटिलाइज करके दो कमोडिटीज का क्या किया है, प्रोडक्शन किया है। तीसरा जो मेन अजम्पशन है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में इफ वी आर हैविंग रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज जब हम लोग रिसोर्सेज को हम लोग जब दो जगह यूज कर रहे हैं तो वो जो रिसोर्सेज है वो पूरी तरीके से हम लोग यूटिलाइज तो कर रहे हैं, पूरी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन तो कर रहे हैं, पर वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है दोनों चीजों को प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ट्रैक्टर है तो वो ट्रैक्टर हमें गन्स को प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगा, वो ओनली कौन से प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, वीट प्रोडक्शन से। सो हमें अगर गन का करना है तो हमें टेक्नोलॉजी इंक्रीज करनी पड़ेगी, पर वो हम करना नहीं चाहते तो उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन ऑफ गन्स क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो नोन एज द अदर नेम ऑफ दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, और वी आर ऑल्सो टेलिंग इट एज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ये तीन नामों से भी जाना जाता है, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, दैट इज ऑल्सो द अदर नेम ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाउ वी विल गो थ्रू द स्केड्यूल हियर, व्हाट आर द स्केड्यूल ऑफ पीपीसी, स्केड्यूल के बारे में हम बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर एक डेटा देते हैं कि टू कमोडिटीज जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, लाइक पीपीसी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जहाँ ये दोनों के जो
इंटरक्शन है मिलते हैं जिस बाउंड्री पे, उसको हम लोग ए बी सी डी और ई के कॉम्बिनेशन से डिनोट करेंगे. वीट प्रोडक्शन विल इंक्रीज, वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ वीट हियर एंड वी आर डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गन, बिकॉज हमारे पास में जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज है वो वीट के ज्यादा है एज कंपेयर टू गन्स, एंड वी डोंट वांट टू चेंज द रिसोर्सेज हियर. अब जब हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे ऑन द ग्राफ, तो हाउ विल वी प्लॉट इट एट, लाइक दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस. ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन वीट and on the y-axis we have taken gun. So now, first, on the first combination, that is the fully and efficiently use of resources, first combination A is here. Here the production of gun is 10. That is the highest production of gun is there. And when we are using all the technologies and resources in the production of gun, we cannot use those technology and resources in the production of wheat. So the production of wheat will be zero. But now we want to increase the production. Increase the production of what? Wheat. So with the same technology, we have to decrease the production. Here we have decreased the production here, so as to increase the production of wheat. Further, we want to increase the production of wheat here, so further we have to decrease. Decrease the production of what? We have to decrease the production of so that we can increase the production of wheat. And five times we will be doing to show it on the five points here. So in order to increase the production of X commodity, we have to decrease the production of Y commodity. And this curve and these points, the possible combination where the technology and resources are fully and efficiently utilized, these are the possible combination with the given resources and technology, fully and efficiently utilization is done here. And with that, these 5 A, B, C, D and E point is showing that full utilization of resources being done. Whatever resources we are having, those resources we are utilizing it to the optimum level. Now, here point K and S. Point K and S. Point K and S, what is it showing? See, here हमने क्या करा, ये point के अंदर आ रहा है, ये PPC के अंदर आ रहे हैं ये दोनों point. तो यहाँ हमारे पास में ये दोनों show कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास resources available थे या technology available थी, हमने उसका पूरी तरीके से utilization नहीं किया. This point K and S is showing the underutilization of resources. अगर हम लोग उसको resources and technologies को पूरी तरीके से utilize करते, तो हमारे पास में यहाँ तक production हो सकता था. परंतु हमने utilize नहीं किए, इसीलिए हमारा production possibility कर सिर्फ यहाँ तक आकर रह गया. परंतु यहाँ point T क्या कहता है? Overutilization? No. क्योंकि हमने को जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमने यूटिलाइज कर ली, और यूटिलाइज करके ये कर्व फॉर्म आउट किया. परंतु हमने ये भी कहा कि हम रिसोर्सेज को चेंज नहीं कर सकते. जब हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये पॉइंट टी जो आएगा वो आएगा अनअटेनेबल स्टेज. अनअटेनेबल स्टेज, तो ये तो अनअटेनेबल स्टेज है जो कि हो ही नहीं सकती. वाई नहीं हो सकती? बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द रिसोर्सेज एंड technology. So now, till now, what is PPC, concept of PPC, assumptions here we have done, plus PPC schedule we have done, plus curve we have done. Now we will be going to start up with shifting and rotation of production possibility curve. The production possibility curve jo hai, shift kaise hota hai? Dekhiye, favorable government policies aa rahi hain, employment generation schemes आ रही हैं. employment generation schemes की वजह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा employment मिल रहा है, income बढ़ रही है, income बढ़ रही है तो demand बढ़ रही है, demand बढ़ रही है तो technologies increase हो रही है. and as technologies increasing, जो ये जो PPC curve है हमारा,
shift ho raha hai right word. It is shifting towards right. That means favorable conditions are there into the government policies or any favorable things are there due to which the production is increasing, employment is increasing, income generation is there. But कई बार बहुत सारे इन अनफेवरेबल कंडीशंस हमारे पास में आ जाती हैं. अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, फेमाइंस आ जाते हैं, कोई डिजीज आ जाती है जिसकी वजह से इकोनॉमी डाउन चली जाती है. जब इकोनॉमी डाउन चली जाती है तो देन व्हाट विल हैपन, दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ आके शिफ्ट हो जाता है. और इसकी वजह से मतलब ये हुआ हमारा प्रोडक्शन जो है टू कमोडिटीज का नीचे गिर गया, इट्स शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट एंड द प्रोडक्शन विल डिक्रीज हियर. सो व्हेन, अब यहां पर जब इन सारी कंडीशंस की वजह से जब पीपीसी पूरी तरीके से अपने आप को शिफ्ट कर लेता है फेवरेबल के समय राइट वर्ड्स एंड अनफेवरेबल की तरफ के समय में लेफ्ट वर्ड, at that time what will happen, this type of situation is known as shifting of the PPC curve. Now we are going to talk about the rotation purposes of PPC, how the PPC is rotating. Here see, when the favorable conditions are there for the Y commodities, for example when we are doing the production of guns, when we are doing the production of guns, then what is happening, the production is increasing here, but there is no change in the production of wheat. The wheat ka production ke andar koi bhi change nahi aa raha kyunki yahan pe technology increase nahi ho rahi, yahan par koi bhi kisi bhi cheez ki wo change nahi ho rahi hai, technology resources increase nahi ho raha hai. So what will happen when the technologies are not increasing of wheat, only the technology for Y conditions are increasing, then the rotation will be taking place towards the Y point. Now when we are going towards the second graph, rotation of the PPC, so yahan par kya ho raha hai, hamari favorable conditions jo hai, technologies jo hai wo kahan hai, Y ki taraf hai. हमने नई चीजें इंस्टॉल कर ली है, फेवरेबल टेक्निक्स आ गई है हमारे पास में, दो ट्रैक्टर्स खरीद लिए हैं, तो हमने क्या करा, परंतु वाई कमोडिटीज में हमने कोई चेंजेस नहीं करे, तो वाई का तो प्रोडक्शन सेम रहेगा, बट द प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी विल इंक्रीज ड्यू टू दिस. सो इन द टुडेस टॉपिक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू और एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, its assumptions, PPC schedules, PPC curve and shifting of rotations. Now in the next video we are going to study about the opportunity cost and the marginal opportunity cost, both the things we are going to study in that. Thank you.